तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दो ऐसी बड़ी मूवीज के बारे में जिनका यूट्यूब पे ट्रेलर लॉन्च हो चुका और क्या रिस्पॉन्स रहा है वो आपको आगे वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो पहली मूवी होने वाली है रनवे 34 मूवी और दूसरी मूवी होने वाली हीरोपंती 2, जिसको आप इनडायरेक्टली चूतियापंती 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि किसको जनता प्यार करती है और किसको मना कर देगी कि हमको पैसे लगा के ये मूवी नहीं देखना है, हम OTT पे ही आएगी तो देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रनवे 34 मूवी के बारे में, जिसका कमाल धमाल ट्रेलर आ चुका और लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस ट्रेलर के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलने वाले, जैसे जहां एक तरफ है अमिताभ बच्चन, एक तरफ है अजय देवगन और वहीं पे आपको कैरी मिनाटी भी देखने को मिलने वाले, जो कि यूट्यूब पे तहलका मचाने के लिए उनका नाम ही काफी था, जो कि अब इस फिल्म के अंदर भी तहलका मचाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं कैरी मिनाटी। जहां एक तरफ VFX की बारिश होने वाली है और वहीं पे स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि रियल स्टोरी को ही फिल्म के सामने आपको देखने को मिलने वाला है, जिसके पीछे साउंड इफेक्ट भी काफी अच्छा हमको देखने को मिलने वाला है। जब से इसका ट्रेलर आया था तो लोगों का इसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। लोग इसके ट्रेलर को जब इतना पसंद कर रहे हैं तो फिल्म जाहिर सी बात है लोगों को पसंद आने वाली है। लोग उसे देखना चाहते हैं कि वो आखिर उस प्लेन के साथ हुआ क्या था, कैसे क्रैश हुआ था वो प्लेन, कैसे लैंडिंग में उसको दिक्कत आएगी। तो लोग इस स्टोरी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है कंपेयर किया जाए हीरोपंती 2 से। लेकिन जितना अच्छा इसका ट्रेलर है वहीं पे इसकी एक कमी ये हो सकती है कि अगर इसके VFX में कहीं भी कमी हुई और कहीं पे भी अगर इसके साउंड में कोई दिक्कत हुई, जहां ये ढीला पड़ा, तो ये फिल्म भी बहुत जल्दी गिरेगी, जैसे कि अटैक मूवी गिरी है VFX और लोगों को झूठा चीज दिखा दिखा के। जितना ट्रेलर पे इसके विश्वास किया है लोगों ने, अगर फिल्म वैसी नहीं निकली तो जाहिर सी बात है ये फिल्म डूबने ही वाली है। किसी भी फिल्म को हम छोटा नहीं हाँक सकते और इसके सामने अगर हीरोपंती खड़ी है तो उसके अंदर उसके मेकर्स ने भी कुछ देखा होगा जब भी एक ही डेट पे रिलीज कर रहे हैं। कंपेयर किया जाए रनवे 34 मूवी के ट्रेलर के साथ तो हीरोपंती का 2 का ट्रेलर कहीं पे भी उसके सामने खड़ा नहीं होता है, तो फिल्म कहां से टिकने वाली है। पर पता नहीं मेकर्स ने क्या सोच के इसके सामने इसको रख दिया है, लेकिन कुछ तो सोचा होगा तभी इस फिल्म को उसके सामने टक्कर के सामने रखा है और वो भी एक ही दिन पे रिलीज हो रही है दोनों मूवी थिएटर तक। बात है आपको हीरोपंती 2 के मेन लीड एक्टर का, जो कि टाइगर श्रॉफ है, और इस फिल्म को लेके और इससे पहले जितनी भी उनकी फिल्में हैं आपको पता है कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहा है और इस फिल्म का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। जहां तारा सुतारिया का भी अगर पिछली फिल्म इनकी देखा जाए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, तो क्या रिस्पॉन्स रहा है, लोगों ने क्या फिल्म का हाल किया था ना देख करके। और जो इसके अंदर एक्टर है वो टाइगर श्रॉफ के सामने जो विलन है वो ज्यादा हैवी लग रहा है, तो जब इनका ही दोनों का केमिस्ट्री नहीं जम रहा है तो फिल्म लोगों को क्या पसंद आएगी, फिल्म क्या चलने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइगर श्रॉफ की जितनी भी पहले की मूवी है उसके अंदर भी सेम वही स्टंट देखने को मिलने वाला है, बैक फ्लिप और डांस वगैरह जो भी, इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने वही चीज अपनाया है। तो इस फिल्म के अंदर हमको कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है। जहां एडिटिंग की मदद से आपको गाड़ियां उड़ती हुई नजर आने वाली है, एडिटिंग की मदद से कह सकते हैं या फिर रस्सियों से उड़ाया गया है, आपको यही चीज के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। तो कुछ नया खास निकल के इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं एक लाइन में इस फिल्म को रिव्यू करूं तो मुझे इतने खास इसका ट्रेलर नहीं लगा। जब लोगों को ट्रेलर ही पसंद नहीं आएगा तो मूवी देखने के लिए क्यों जाएंगे वो, और वो भी इसके सामने जब अच्छी मूवी लगी हुई है थिएटर के अंदर तो लोग जाहिर सी बात है कि वही मूवी देख। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब डेट फाइनल हो चुकी है तो अब ज़्यादा दिन भी नहीं है इस फिल्म को रिलीज करने में, तो अब देखना यही है कि बॉक्स ऑफिस में क्या कमाल कर पाती है हीरोपंती 2, जिसके सामने है रनवे 34। और जहाँ तक मेरा है तो रनवे 34 का कलेक्शन काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। सो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इन दोनों मूवी को लेके, और ये टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना की सोच रहा था, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कौन सी मूवी हमको देखने जानी चाहिए और कौन सी मूवी को हमको मना कर देना चाहिए और वेट करना चाहिए OTT पे आने का। तो अब देखना ये है कि ये दोनों मूवी आती है तो कौन सी मूवी का ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, क्योंकि दोनों का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर से हमको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया है कि कौन सी मूवी हिट होने वाली और कौन सी होगी फ्लॉप। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, जब तक थैंक यू, गुड नाइट, क्योंकि ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ इसलिए गुड नाइट।